अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास एट, आवर टुडे आवर इंग्लिश लेक्चर एंड चैप्टर इज चैप्टर 12, वाटर इज़ अ लवली थिंग। इट इज़ अ पोएम अबाउट वाटर, पानी। वाटर पानी, हमें पता है कि पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। हमें अगर पानी ना मिले तो हम इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। फिर हमें ये भी पता है कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, मतलब पानी के ज़राए क्या हैं, चश्मे, दरिया, समंदर, ग्लेशियर, बारिश, ये सारे जो हैं ये कुदरती ज़राए हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। वाटर इज़ अ लवली थिंग, पानी एक बहुत प्यारी चीज़ है। डार्क एंड ड्रिपलाई इन अ स्प्रिंग, स्प्रिंग कहते हैं चश्मे को, ठीक है। और रिप्ले लहरों वाला। अब हमें ये बताएगा इस पोएम में, हमें ये पता चलेगा कि वो बताएगा कि मुख्तलिफ ज़राए जो हैं उनमें पानी की शक्ल और सूरत कैसे होती है। स्प्रिंग कहते हैं चश्मे को, तो वो बता रहा है कि चश्मे में पानी कैसा होता है। चश्मे में पानी जो है वो डार्क, मतलब के गहरी रंगत वाला, और रिप्ले लहरों वाला होता है। चश्मे में ये गहरी रंगत और हल्की लहरों वाला होता है। ब्लैक एंड क्वाइट इन अ पूल, पूल कहते हैं तालाब को। तालाब में ये कैसा होता है? तालाब में ये ब्लैक मतलब काला, स्याह, और क्वाइट मतलब खामोश, साकिन। जो तालाब में ये स्याह और साकिन होता है। इन अ पडल, पडल कहते हैं जौहर को, ठीक है, जौहर। ब्राउन एंड कूल, किसी जोहर में ये भूरे रंग का और ठंडा होता है। इन अ रिवर, दरिया में, किसी दरिया में, ब्लू एंड गे, गे कहते हैं खुश रंग। कह रहे हैं यहाँ पे कि किसी दरिया में ये नीला और खुश रंग होता है। इन अ रेनबो, रेनबो कहते, पता है ना आपको, रेन ड्रॉप, किसी भी बारिश के कतरे में ये सिल्वर ग्रे, सफ़ेद ग्रे कलर का, जैसे पता है सिल्वर ग्रे कलर का होता है किसी बारिश के कतरे में। इन अ फाउंटेन, फाउंटेन कहते हैं चश्मे को, किसी चश्मे में फ्लैशिंग वाइट, फ्लैशिंग कहते हैं चमकीला, वाइट सफ़ेद, किसी चश्मे में ये चमकीला सफ़ेद दिखाई देता है। इन अ ड्यू ड्रॉप, ड्यू ड्रॉप कहते हैं शबनम के कतरे को, किसी शबनम के कतरे में ये क्रिस्टल ब्राइट, क्रिस्टल कहते हैं शफाफ, शबनम के कतरे में ये शफाफ और चमकदार होता है। इन अ पिक्चर, पिक्चर कहते हैं घड़े को, घड़े में फ्रोस्टी कोल्ड, फ्रोस्टी कोल्ड मतलब कि यख बस्ता, सर्द, ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा, घड़े में ये बहुत ठंडा होता है। आपने कभी घड़े में पानी डाल के पिया है? आपको पता चलेगा कि घड़े में जब हम पानी डाल के रख देते हैं तो वो बहुत ठंडा हो जाता है, उसको जिस टाइम भी मर्जी पिए वो वैसा ही ठंडा रहता है। इन अ बबल, बबल कहते हैं बुलबुले, एक बुलबुले में पिंक एंड गोल्ड, गुलाबी और सुनहरी रंग का होता है। इन अ हैप्पी समर सी, हैप्पी मतलब खुश, समर मौसम गर्मा, मौसम गर्मा के मसरूर समंदर में, जस्ट एज ग्रीन कैन बी, ये इतना सब्ज़ होता है जितना के सब्ज रंग हो सकता है। इन अ रेनबो, रेनबो कहते हैं कोसेकज़ा में, फार, दूर दराज, अनफर्ल्ड, फैली हुई, दूर दराज तक फैली हुई कोसेकज़ा में, एवरी कलर इन द वर्ल्ड, दुनिया का हर रंग मौजूद होता है। आपको पता है ना कौसे कज़ा में रंग होते हैं, कौन कौन से रंग होते हैं, ये भी आपको मालूम है। इधर क्वेश्चन भी हमारा, व्हाट आर द कलर्स ऑफ रेनबो, कौन कौन से कलर्स होते हैं रेनबो में, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेंट, 7 कलर्स फुल मिलके रेनबो बनाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि दूर दराज तक फैली हुई कौसे कज़ा में दुनिया का हर रंग मौजूद होता है। ऑल द ईयर फ्रॉम स्प्रिंग टू स्प्रिंग, पूरा साल, एक मौसम बहार से लेकर दूसरे मौसम बहार तक। अब यहाँ स्प्रिंग जो है वो मौसम को जाहिर कर रहा है, ठीक है। पूरा साल एक मौसम बहार से लेकर दूसरे मौसम बहार तक, वाटर इज़ द लवलीस्ट थिंग, पानी एक सबसे प्यारी चीज़ है।
अब आपको समझ आ गई है, आपने इसकी समरी राइट करनी है। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ग्लोसरी देख लेते हैं। वर्ड्स मीनिंग क्वाइट, क्वाइट का जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि मीनिंग होता है उर्दू में साकिन। अब इसका इंग्लिश में देख लेते हैं, विद वेरी लिटल और नो वॉइस, कि कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल खामोश साकिन, हरकत भी ना कर रहा हो। जैसे पडल, पडल का क्या मतलब है, स्मॉल बॉडी और स्टैंडिंग वाटर, एक छोटा जिसम मतलब कि खड़ा हुआ पानी जो होता है उसको हम पडल कहते हैं। पडल उर्दू में कहते हैं जोहर को, थोड़ी सी जगह जहाँ पे पानी खड़ा हुआ हो। फ्लैशिंग चमकीला, ब्रीफ ब्राइट लाइट, ठीक है। अनफर्ल्ड फैली हुई, अनफर्ल्ड का मतलब बताया मैंने ऊपर, फैली हुई, टू स्प्रेड ओपन, अनफोल्ड मतलब खिला हुआ फैला हुआ। हैप्पी खुश, ये तो आपको पता है, फीलिंग प्लेजर,